आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का विषय लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। ओके, जैसा कि दोस्तों आपको पता है 6 दिसंबर से हमारी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट है। और आई होप दोस्तों आपने क्या है टाइम टेबल नोट कर लिया होगा, मैंने आपको टाइम टेबल पहले ही बता दिया। ओके, तो हम देख लेते हैं आपके कि अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के पेपर में कौन कौन से अध्याय आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके, तो आपका जो अध्याय लेखा शास्त्र भाग एक पुस्तक है उससे देख लेते हैं। तो अध्याय एक आने वाला है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा। अध्याय दो आने वाला है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन साझेदार का प्रवेश। अध्याय तीन आने वाला है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु। फिर अध्याय चार साझेदारी का फर्म का विघटन। ओके, इसके बाद दोस्तों आपकी जो सेकंड पुस्तक है लेखा शास्त्र भाग दो उससे अध्याय एक आने वाला है अंश पूंजी के लेखांकन। अध्याय दो आने वाला है उपखंड तथा ऋण पत्रों का निगमन। अध्याय तीन आने वाला है कंपनी के वित्तीय विवरण। ओके, फिर जो अध्याय चार है और आपका अध्याय पाँच है ये दो चैप्टर आपके नहीं आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। ओके, तो ये दो चैप्टर आपको अभी तैयार नहीं करने। ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा में ये दो चैप्टर आपके नहीं आएंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आपका क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का सिलेबस। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप दोस्तों क्लास ट्वेल्थ लेखा शास्त्र विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।